सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल KNG News और दबाइए बेल आइकन ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, इस समय हम डीवी मॉल पर हैं और आज है फादर्स डे, जहां पर कई सारे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स को उन्होंने फादर्स डे की थीम पर बनाया है। तो कई सारे यहां पर ऐसे नन्हे मुन्ने कलाकार हैं और जिस फाउंडेशन जिसके थ्रू आर्ट के थ्रू यहां पर हो रहा है एग्जीबिशन, उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस थीम का क्या उद्देश्य था और बच्चों ने कितनी मेहनत करी इस चीज़ के लिए। तो आइए इन पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत करके इस थीम को सफल बनाया है। हमारे साथ में हैं आपका नाम जानना चाहूँगा मैं, वंदना शर्मा। ये पेंटिंग्स मतलब किसके थ्रू बनाई गई है या किस थीम उसके थ्रू? इसलिए ये टीचर है तेजस्वी शर्मा, उनकी ये आर्ट गैलरी है। बच्चों को प्रमोट करने के साथ साथ स्केचिंग पे अपने पूरी भावनाओं को वो उकेरने का बहुत ही अल्टीमेट तरीके से जो है बच्चों को सिखाती हैं। किसी भी ग्रुप के बच्चे को बहुत आसानी से बहुत मोटिवेट करते हुए वो हर तरह के एक्रेलिक हो, पेंसिल वर्क हो, ऑयल पेंट्स हो, उस पर उनका बहुत अच्छा कमांड है। तो इस दिन फादर्स डे के ओकेजन पे बेसिकली पेरेंट्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करते हुए उस पर सारे बेस करके ये पेंटिंग एग्जीबिशन लगाए। ये एग्जीबिशन पहली बार लग रहा है या फिर ये अलग अलग थीम्स के अलग अलग डेज पर ये लगता रहता है? नहीं, अलग अलग ओकेजन्स पे लगाते हैं ताकि बच्चों में एक वैल्यू बेस्ड जो है उनके अंदर थीम आती रहे। तो इस बार उन्होंने फादर्स डे किया है, इसके पहले उन्होंने अभी जस्ट वन वीक पहले जो है स्वराज भवन में सभी तरह के आर्टिस्टों को इन्वॉल्व किया था और उसकी लगाई थी। तो कंटिन्यूशन में वो बच्चों को प्रमोट कर रही हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल तालंगपुरिया है। वैसे मैं डेंटिस्ट हूँ बट अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करता हूँ और लास्ट 2 साल से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्रेलिक में डिस्प्ले किया है मैंने। वैसे मैं एक्रेलिक कभी करा नहीं है इसके पहले। मैंने एक बार ट्राई किया था बट अच्छे से बन नहीं पाया। मैं ऐसे मोस्टली पेंसिल कलर्स यूज़ करता हूँ, पॉलीक्रोमोस। लास्ट वीक मेरा एग्जीबिशन भी हुआ था स्वराज भवन में, उसमें मेरे पेंसिल वर्क के डिस्प्ले थे मेरे पूरे। फर्स्ट टाइम मैंने फादर डे पे एक्रेलिक ऑन कैनवास यूज़ किया है। अच्छा, आप डेंटी से इसलिए आपने बच्चे के दांत निकाल दिए, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली इसमें बस अपने फादर से एफर्ट तो दिखाया है कि फादर्स हर कंडीशन में अपने बच्चे को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कैसे भी फादर कंडीशन में अपने बच्चे को एजुकेशन से लेकर उसकी जो बेसिक नीड्स होती है सबको पूरी करने की कोशिश करता है, उस पर मैंने सोच के बनाया था। तो इसी पेंटिंग के माध्यम से आपने फादर्स की जो बच्चों की नीड्स होती है फादर कैसे पूरी करते हैं वो बताने की कोशिश करी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शिवदयाल मांडरे। शिवदयाल जी, इस पेंटिंग के आपने क्या पेंटिंग के माध्यम से क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? एक छोटी सी बच्ची नज़र आ रही है और उसके पापा उसके हाथ में पकड़े हुए हैं। सर, आज का जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें बच्चियों के साथ बहुत गलत कृत्य किए जा रहे हैं। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये मेरे माइंड में थॉट बना और मैंने ये चित्र बनाया। तो इसमें बच्ची अपने पिता के पास कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही, बस मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बनाई। मतलब मैंने जो गेस किया वो आपने एकदम वही का वही रिप्रेजेंट किया, सही है ये? यस सर। ये बहुत अच्छी थीम्स बनाई है और बहुत अच्छे थीम्स के माध्यम से उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि बच्चियाँ को आज बच्चों का जो समय है वह बहुत क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है और इसमें एक पिता अपने बच्चों के लिए कितना सिक्योर होता है, कितनी सिक्योरिटी के काम करता है, ये बात को इन्होंने इस पेंटिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। अगर इनसे पूछते हैं आर्ट के बारे में कि उन्होंने इस पेंटिंग के माध्यम से क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? ये एक्रेलिक ऑन कैनवास पेंटिंग बनाई है हमने और इसमें एनिमल बेस थीम पे इसलिए चूज़ किया है कि ये हमें दर्शाते हैं कि कैसे प्यार करते हैं, इनकी भी फैमिलीज होती है जैसी अपनी होती है। और इस पेंटिंग का नाम माइलस्टोन है क्योंकि जैसे ही हमारे लाइफ में वैसे ही इनके लाइफ में अलग अलग टाइप के माइलस्टोन्स आते हैं, उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं। जैसे अपने फादर हमेशा अपने पीछे खड़े रहते हैं हर माइलस्टोन्स पे, वैसे ही इनके रहते हैं। और एनिमल्स या इस तरह की पेंटिंग बना के मैं सबको एक मैसेज भी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ कि हमें इनकी कंजर्वेशन के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करनी चाहिए। हमें एक अपना ग्रुप बना के या फिर एज अ पर्सनली खुद से कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जैसे अपनी फैमिलीज होती है इनकी भी है, ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, प्यार करना और कैसे एक साथ बने रहना। ये अपना लिविंग का एक एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है जो कि हमें खुद से प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो फादर्स डे के थीम पे ये एक पेंटिंग है जो कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का एहसास दिलवाती है कि हाँ वो हमारे पीछे खड़े हैं हर माइलस्टोन पे।
एक्चुअली आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, उसके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना कलाकार, पेंटर, आर्टिस्ट हमारे साथ में है, आइए जानते हैं उसके बारे में कि उन्होंने इस पेंटिंग के माध्यम से इस थीम पर क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रुद्रांश है। रुद्रांश, ये बताइए कि आप कितने समय से पेंटिंग कर रहे हैं? मैं 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इस पेंटिंग में आपने क्या रिप्रेजेंट किया है? मैंने ये रिप्रेजेंट किया इस पेंटिंग में कि अपने पापा जो है वो हमेशा हमारी मदद करते, वैसे जानवरों में भी होता है। अच्छा, मतलब पापा हमेशा हेल्प करते अपने बच्चों की, वो सारे फिश में भी आपने रिप्रेजेंट किया है। जी। थीम्स आपकी फादर्स डे पर बनी हुई थी। चलिए, ये पेंटिंग बना के कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए आपकी शुभकामना मेरे तरफ से, आपको शुभकामना बहुत बहुत, आगे भी आप अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते रहें। भी कलाकार हैं, जानते हैं उनकी पेंटिंग्स के बारे में, उन्होंने क्या थीम्स में रिप्रेजेंट किया है, अपने कोशिश की है। हमारे साथ में आपका नाम पहले? गायत्री शर्मा। हाँ। आपने इस पेंटिंग में क्या मतलब थीम्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है फादर्स डे की थीम पर, क्या मतलब? इन द सेंस कि वो ये लायन किंग में सिम्बा एंड हिज डैड, मोस्टली इन लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से होते हैं ना, तो फादर हिज फादर इज अ किंग, तो वो इसका वो डायरेक्शन देने के लिए समझाते हैं, तो वो इसको फादर्स डे का एक रोल होता है, फादर्स का एक रोल होता है, वो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने पेंटिंग में ही वो किया था बस। चलिए, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि फादर इज़ किंग, वाकई में फादर एक किंग की तरह होते हैं अपने हर व्यक्ति के लिए। चलिए आइए और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। इसके कुछ कलाकार से जिन्होंने इस पेंटिंग्स को क्रिएट किया है, आपका नाम सबसे पहले जाना चाहूँगा मैं। जी, मेरा नाम जीवेश शर्मा है। जीवेश जी, आपकी पेंटिंग है? जी। क्या है इस खास पेंटिंग में, क्या आपने शो किया है फादर्स डे की थीम पर? मैं इस पेंटिंग के हेल्प से समझाना चाहता हूँ कि पेरेंट्स हमारे हमेशा हेल्प करते हैं, तो इसमें जो ब्लैक थीम है वो दर्शाती है कि अगर कोई भी बच्चा प्रॉब्लम में हो तो उसका पेरेंट्स हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाते हैं, वहीं पर यहाँ ब्लैक टू डार्कनेस ले जाके जा रहा है उसको, बस यही थोड़ा करना चाहता हूँ। आपने इस पेंटिंग में क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं वंदना शर्मा। मैं इस पेंटिंग के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज के समय में जब सब तरफ नकारात्मकता और बच्चे अपने कैरियर को लेकर अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं, उनके दोस्त, उनके मित्र उनको सहयोग कम प्रदान करते हैं, मेरा ये मानना है, और मिसगाइड ज़्यादा करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन स्पिरिट बहुत बढ़ गई है, प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत आ गई है, लेकिन बच्चों को अपने परिवार से जो सहयोग मिलता है उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ फादर्स डे के इस ओकेजन पर। और मेरा ये मानना है कि कितनी भी जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक माता पिता पर विश्वास करेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा जीवन में साथ खड़े होंगे, और हमें सूरज की किरण की तरह और रोशनी की तरफ सिर्फ पेरेंट्स ही लेकर जा सकते हैं। इस बात को, इस थीम को मेरे दिमाग में था, उसी को मैंने इस कैनवास पर उतारने की कोशिश की। ऐसी पिक्चर्स आपने कभी पहले भी डेवलप करी है? मेरे लिए मतलब एक ये था कि हमेशा मैंने अपने बच्चों को उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर वर्कआउट किया था, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं, और ये बहुत ही मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी कि लोग मुझे उनके माध्यम से पहचान रहे थे। लेकिन अभी 2 पेंटिंग्स मैंने बनाई और मेरे बच्चों ने मोटिवेट किया कि मम्मी हम जाते हैं तो आप भी हमारे साथ चलो, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इन 2 पेंटिंग के माध्यम से ही जो पब्लिक व्यू था वो ये आया कि शायद आपके अंदर ही उनका टैलेंट था जो आपका छुपा हुआ था, जो मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिला, तो मुझे अपने आप को एक अलग रूप में रिकॉग्नाइज मैं कर पाई। चलिए, आपकी इस पेंटिंग के लिए और इस पूरे वर्क के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे KMG न्यूज़ की तरफ से। ऐसे ही आप पेंटिंग्स के लिए माध्यम से लोगों की प्रतिभाओं को डेवलप करते रहें, धन्यवाद। तो हम इस समय थे DV मॉल में, जहाँ पर कई सारे आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से फादर्स डे की थीम पर ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, एक मैसेज दिया कि पिता का एक जीवन में क्या मूल्य होता है, वो सारे छोटे से बड़े आर्टिस्ट ने हमें ये बताने की कोशिश करी। तो आप इस पेंटिंग को देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये लगभग 24 तारीख तक यहाँ पर ये पेंटिंग्स का एग्जीबिशन अभी जारी रहेगा, और ऐसी ही चीज़ों को दिखाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KMG न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।